हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम हमारे डेली लाइफ में हमेशा किसी ना किसी से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल गए, फ्रेंड्स से मिले, ऑफिस गए, कलीग से मिले, या किसी रिश्तेदारों के यहाँ गए, वहाँ से निकलते वक्त, स्कूल छूटते वक्त, या फिर ऑफिस से घर लौटते वक्त हमारे मुँह से क्या निकलता है? बाय, बाय बाय, या फिर गुड बाय। सो फ्रेंड्स, ऑल दीज आर कॉमन एक्सप्रेशंस। हमारे इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे से वर्ड्स है, दे आर लॉट्स ऑफ सो मेनी गुड वर्ड्स कि जिन्हें हम हमारे कम्युनिकेशन में ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग बाय बाय। इसलिए हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है स्टॉप सेइंग बाय बाय। सो लेट्स लर्न व्हाट्स आर द डिफरेंट वेज टू से बाय बाय। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, देर आर सो मेनी वेज टू से बाय बाय। हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है बाय बाय। बाय बाय तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्पेशली बाय बाय जो अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है। बड़ों को हम कभी बाय बाय नहीं बोलते। इनफैक्ट छोटे बच्चे हमें बोल सकते हैं बाय बाय, लेकिन अपने से बड़ों को हम कभी बाय बाय बोलते नहीं है। नेक्स्ट, सी यू सून और सी यू लेटर। सी यू सून मीन्स जल्द ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, या शादी फंक्शन में कहीं गए हो, या कहीं शॉपिंग करने मार्केट में घूम रहे होते हैं, या कहीं गार्डन में फैमिली के साथ बैठे हुए रहते हैं, अचानक से जो व्यक्ति जिसे हम पहचानते हैं बहुत दिनों बाद हमसे मिलता है, उससे बातचीत खत्म होने के बाद हम क्या बोलते हैं? ओके बाय, सी यू सून, जल्दी मिलते हो, सी यू लेटर। नेक्स्ट, टॉक टू यू लेटर। टॉक टू लेटर मीन्स बाद में बात करता हूँ। सपोज हम किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, कोई भी किसी से भी, मतलब अपना भाई हो, बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई कलीग्स हो, इनसे फोन पे हम बातचीत करते हो, खत्म होने के बाद क्या बोलते हैं? बाय, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करता हूँ। नेक्स्ट, हैव अ गुड टाइम। हैव अ गुड टाइम मीन्स आपका समय अच्छा हो। सपोज हमारा कोई रिश्तेदार हो, भाई हो, पहचान वाला, अड़ोस पड़ोस वाला, कोई भी कहीं पार्टी में घूमने जा रहा हो, या कहीं पिकनिक पे जा रहा हो, या मूवी देखने जा रहा हो, या दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो कहीं पे भी, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हैव अ गुड टाइम, तुम्हारा समय अच्छा हो। नेक्स्ट, इट्स टाइम टू बी गोइंग। इट्स टाइम टू बी गोइंग मतलब अभी जाने का समय हो चुका है। सपोज हम हमारे दोस्तों के साथ कहीं नुक्कड़ पे या कहीं पे भी बहुत देर तक बैठे हुए रहते, बातचीत चलती रहती थी, फिर अचानक से हमें आता था, अरे बाप रे बहुत देर हो गई, फिर हम क्या बोलते हैं? चलो निकलता हूँ मैं, इट्स टाइम टू बी गोइंग। उसी तरह से फ्रेंड्स, हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव टू गो नाउ, या फिर आई मस्ट बी गोइंग, मुझे जाना चाहिए। देखो, जहाँ मस्ट आता है ना फ्रेंड, वहाँ कंपल्शन होता है कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, हमें घर से अचानक से कॉल आता है कि तुम जहाँ भी हो अभी के अभी आ जाओ, या फिर हमें अचानक से याद आता है कि अरे टाइम हो गया, मुझे वहाँ जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए अभी के अभी, आई मस्ट बी गोइंग देयर। नेक्स्ट, इट्स टाइम टू लीव नाउ। ये सेम एज द अबाउ जैसा हमने देखा था कि कहीं हम दोस्तों के साथ बैठे हुए रहते, ग्रुप में हम जब बैठे हुए रहते या किसी के साथ बैठे हुए रहते, तो हम जैसे बहुत समय होने के बाद क्या बोलते हैं? अरे यार टाइम हो गया, अब जाना चाहिए, इट्स टाइम टू लीव नाउ। नेक्स्ट, थैंक्स। थैंक्स किसे बोला जाता है? कि कोई हमें कुछ मतलब देता है, या फिर किसी ने हमें हेल्प की हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम रास्ते से जा रहे होते, कोई फ्रेंड मिलता है, लिफ्ट देता है हमें, तो हम क्या बोलते हैं उसे जाते जाते? थैंक्स फॉर द लिफ्ट। या किसी ने हमें पार्टी पे बुलाया हो, या डिनर पे बुलाया हो, तो हम क्या बोलते हैं? थैंक्स फॉर द पार्टी, थैंक्स फॉर द डिनर, ऐसा जाते जाते हम उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फेयरवेल माय फ्रेंड्स। देखो, फेयरवेल ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा के लिए जब हम बिछड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल या कॉलेज में सेंड ऑफ होता है हमारा, तो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बाद में कभी मिलने वाले नहीं रहते, या फिर हमारे टीचर जो रहते, प्रोफेसर जो होते, उनको हम क्या बोल सकते हैं? जाते जाते फेयरवेल माय सर, फेयरवेल माय मैडम, या फिर फेयरवेल माय फ्रेंड्स। तो फेयरवेल एक्सप्रेशन ध्यान में रखना कि हमेशा के लिए जब हम बिछड़ते हैं तब फेयरवेल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सपोज हम कहीं हमारे फ्रेंड को या रिश्तेदार को जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज है, या फिर जो घर पे जिसकी तबीयत खराब है उसे देखने जाते हैं, हॉस्पिटल में देखने जाते हैं, या फिर कोई हमारा पहचान वाला हो, या कोई रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड हो, कहीं लंबे टूर पे जा रहा होता है, तो हम उन्हें बाय बाय करते हैं, क्या बोलते हैं? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, की संभालना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, इस तरह से ये एक्सप्रेशन यूज आता है, टेक केयर ऑफ
योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को या रिश्तेदार को बाय बाय बोल सकते हैं। आने वाले वीडियोस में भी हम ऐसे कुछ अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। बाय।